का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, न्यू ईयर 2018 चालू हो चुका है और जो हमारा JR टाइपिंग ट्यूटर था वह पुराना हो गया है और उसमें अपडेट वर्जन करने के लिए कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आप JR टाइपिंग ट्यूटर कैसे चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम रन हैज डेट है। यह सॉफ्टवेयर आपको गूगल अथवा हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसके द्वारा आपको मिल सकता है। डाउनलोड करना है और उसे अपने डेस्कटॉप पे लाना है और फिर उसे ओपन करना है और फिर इसके सेकंड ऑप्शन रन एज डेट में जाना है और उसे रन करना है। रन पे क्लिक जाके क्लिक करना है। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आज की जो तारीख दिख रही है उससे एक महीने की तारीख लेना है, उससे एक महीने पहले की तारीख लेना है। अब आपको इसके बाद जो यहाँ मूव द टाइम फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम जो दिख रहा है उस पर जो टिक दिख रहा है उसे रिमूव कर देना और तीनों जो दिख रहे हैं उसमें से टिक हटा देना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट के बाद में एक जो कॉलम दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और उस पर एक अपना JR का अच्छा सा कोई भी नाम दे देना है। मैं दे रहा हूँ माई JR। अब आप कुछ भी सोच सकते हैं जो आप आपको अच्छा लगे। इसके बाद एप्लीकेशन टू रन के बाजू में जो ब्राउजर दिख रहा है उसमें जाना है और जो लोकल डिस्क सी दिख रहा है उसमें फिर प्रोग्राम फाइल में जाना है और फिर उसके बाद आपको JR हिंदी टाइपिंग पे जाना है और उसके बाद जो JR टाइपिंग ट्यूटर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और उसे ओपन करना है। इसके बाद आपको रन पे जाके क्लिक करना है और उसे ओपन कर देना है। आप देख रहे हैं JR टाइपिंग ट्यूटर की पूरी एक्सरसाइज चल रही है। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है। मेरा पूरा वीडियो देखा और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा तो प्लीज़ जरूर वो घंटा आइकॉन पे जाके